चूरू के तारानगर में चोरी की बड़ी खबर आ रही है। चोर सहवा गांव के पीएनबी बैंक के एटीएम उखाड़ ले गए। करीब 4 से 5 चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और साथ ही चोरों ने देर रात एटीएम उखाड़ कर वाहन में लाद कर ले गए। सर्दी में देर रात चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। कोहरे और सर्दी की आड़ में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि चोरी की घटना का सहवा एसएचओ रामकरण सिंह को सूचना वक्त रहते मिली थी और उन्होंने चोरों का पीछा भी किया था, लेकिन कोहरे की वजह से चोर भाग निकले। तो चोरों के हौसले आए दिन बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरों की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एटीएम उखाड़कर कैंपर में लेकर चोर भाग गए। तो करीब 4 से 5 लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। गजेंद्र सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। गजेंद्र, देखिए चोरू में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। सहवा के पीएनबी बैंक का एटीएम चोरी होने की खबर मिल रही है, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। निश्चित रूप से आपने सही कहा कि क्षेत्र के अंदर चोरियों की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में ताजा मामला है वो शनिवार देर रात का, जहाँ 2 बजे के करीब एक कैंपर में सवार होकर 4 से 5 लोग आते हैं और बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के एटीएम को उखाड़ के ले जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के इकबाल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस की रात्रि गश्त के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं जिले के अंदर इन चोरियों की घटनाओं पर अंकुश लग रहा है, क्यों चोर है देखो वो किस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे। तो कहीं ना कहीं सवाल है जनता के मन में है और जनता के मन में धीरे धीरे आक्रोश पुलिस के प्रति बढ़ता जा रहा है। हालांकि घटना के बाद अब जो बैंक प्रशासन है वो भी मौके पहुंचा और FIR दर्ज करवाई गई है, पुलिस भी मौके पहुंची है और पुलिस के वही दावे हैं कि जल्द ही आरोपी हैं तो लूट के जो बदमाश है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे, लेकिन हाल फिलहाल पुलिस के हाथ है वो खाली है। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।